पता है वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग, विश्वास, सवाल, जवाब, आपको समझने वाले, यहाँ तक कि आपको समझाने वाले, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा ज़रा आप सोचो कि बचपन में आपको समझाने वाले कौन कौन लोग थे। तो पूरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा या तो आपके पेरेंट्स और नहीं तो दूसरा आपका टीचर। यही दो लोग ऐसे होते हैं जिनके बातों का असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बात भला आपको भी पता होगा। लेकिन बचपन में क्या होता था कि जब आपसे एक छोटी सी बात कहा जाता था कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, तुम बहुत अच्छा समझा लेते हो, तुम ना बड़े होकर के पक्का टीचर बनोगे, तो आपके अंदर ऐसी बातें आती थी, टीचर, हम टीचर, ना ना ना, हम टीचर ना बनेंगे, टीचर फेलियर लोग टीचर बनते हैं। जरा आप सोच करके देखिए कि फेलियर्स टीचर बनते हैं, कुछ ना करने वाले टीचर बनते हैं। तो आखिर इतने बड़े बड़े जो लोग, इतने बड़े बड़े स्टूडेंट से जो लोग बने हैं, वो आखिर कैसे हुए? आपके मन में एक छोटी सी बातें चलती रहती है, कुछ ना किया तो जाकर करके फाइनली टीचर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, मेरे प्यारे गार्जियंस, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये टीचर प्रोफेशन जो है ना, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है। आप किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करने से पहले हज़ार बार सोचो, क्योंकि एक वक्त होगा जब आपके सोचने की, समझने की सलाहियत बदल जाएगी। देन उस वक्त आपको समझ में आएगा कि टीचर की क्या वैल्यू है। हमारे पूरे लाइफ में ना सिखाने वाले का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो सिखाने वाला आपका टीचर हो, या वो आपके फ्रेंड्स हो, या आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, जो सिखाता है ना, सच मानो वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए। सोच कर कर के देखो कि इस यूनिवर्स में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, आपको जो सिखाने वाला है वो ख़त्म हो जाए, हमारे समाज में एक एक टीचर अपने प्रोफेशन को छोड़ दे, फिर आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? अपने बच्चों को तालीम, तरबियत, शिक्षा कहाँ दोगे? कौन पढ़ाने वाला होगा? तो इसीलिए कोई भी चीज़ों को सोच समझ कर करके बोलना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चों के अंदर डाल देते हो कि तुम्हें इंजीनियर्स बनने हैं, तुम्हें डॉक्टर्स बनने हैं, तुम्हें IAS IPS बनने हैं, बट टीचर को लेकर के ना लोगों के दिमाग में बहुत छोटी सी बातें चलती रहती है। लेकिन आप भी ज़रा सोच करके देखो कि जिसको तुम इंजीनियर बनाना चाहते हो, जिसको तुम डॉक्टर बनाना चाहते हो, जिसको तुम IAS IPS बनाना चाहते हो, वो विदाउट टीचर बन जाएगा क्या? अगर वो लोग भी यही सोचे होते तो एग्जैक्टली क्या होता? कोई ना टीचर होता और ना किसी के गाइडेंस में कोई काम कर रहा होता, और फाइनली जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरा का पूरा धड़ा रह जाता। आपके मन में कुछ और सवाल भी चलते रहते हैं, जैसे कि ये कि टीचर्स आजकल जो है ना, जो टीचिंग सेगमेंट है वो एक प्रोफेशन हो चुका है, पहले वाली बातें नहीं हैं, गुरु शिष्य वाली बातें नहीं हैं, उस्ताद शागिर्द वाली बात नहीं है। बात सही है कि ज़माने के एतबार से हमारी टीचिंग स्टाइल बदल रही है, स्टूडेंट की अपनी पढ़ने की स्टाइल बदल रही है, सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि आप टीचर को रिस्पेक्ट देते हुए टीचर से कुछ सीख रहे हैं। इसीलिए आप अपने अंदर, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप गार्जियंस हैं, टीचिंग को लेकर कर करके इतने दिमाग में छोटी सी बातों को नहीं रखो, निकाल दो, ठीक है? आज के डेट में देखो कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो समाज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो टीचर अपने फेल्योर से बहुत सारी चीज़ों को सीख सीख कर कर करके बच्चों को सिखाता है, और वो बच्चा उन चीज़ों को सीख कर कर करके बहुत आगे बढ़ जाता है।
टीचर को कभी मलाल नहीं होता कि मैं टीचर हूँ लेकिन मेरा बच्चा इतने बड़े पोस्ट पे चला गया, आखिर क्यों? ठीक जैसे आपको मलाल नहीं होता है, आप गार्जियंस को इस बात का दुख नहीं होता कि मैं तो इतने कम क्वालिफिकेशन पे हूँ और मेरा बेटा बेटी इतने बड़े पोस्ट पे चला गया, कितना खुश होते हो? ठीक एग्जैक्टली टीचर्स के दिल में भी वही फीलिंग्स आती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतनी अच्छे अच्छे जगह पे हैं और इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस टीचर्स डे पे आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते एक बात यही कहेंगे कि बच्चों के दिमाग में ये बात कभी मत डालना कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत बेकार है। मुझे भी लगता था कि हाँ टीचर नहीं बनना, टीचर क्या है, बस ऐसे ही लाइफ स्टाइल, आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे बस हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, सीखने को मिला, तजर्बा बढ़ा, जानने को मिला, तो ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये पढ़ाने में जो सुकून है ना, वो सच में एक अलग लेवल का है। इसको वही समझ सकता है जो सच्चे दिल से पढ़ा रहा है। आप शायद हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो मुझे तो बिल्कुल टीचर बनना है और टीचर बनकर ही रहना है, चाहे मैं लाइफ में आने वाले दिनों में कुछ भी कर रहा होऊंगा। एक ही बच्चे सही लेकिन उसको जरूर पढ़ाता रहूंगा, चाहे वो कोई जगह हो, दैट डजंट मैटर। अगर आप इस टीचिंग प्रोफेशन से हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा। अगर आप गार्जियन हैं, हमारी बातें अच्छी लगी तो ज़रूर इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इस बात को सोच करके आगे बढ़ना कि टीचर्स की रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जाते जाते आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।